अच्छा, एक ये न्यू अपडेट आई है यूट्यूब की, जो कि आपकी यूट्यूब स्टूडियो में शो हो रही होगी। ज़्यादा न्यू तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि कुछ दिनों से ये आ रही है। अब इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि कहीं हमारा चैनल इफेक्ट तो नहीं हो गया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बस डिसमिस कर दें, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि और लोगों को भी आसानी हो, समझ में आ सके कि क्या है। अच्छा, एक यूट्यूब की अपडेट आई थी 30 नवंबर 2022 को। उस अपडेट के हिसाब से आप कोई भी इन अप्रोप्रिएट या गैर मुनासिब ज़बान का अपनी वीडियो में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर आप ऐसी कोई स्वेयर वर्डिंग या बैड वर्ड्स अपनी वीडियो में यूज़ करेंगे, तो आपकी जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होगी, या मोनेटाइजेशन ऑन होगी तो येलो होगी। अब येलो मोनेटाइजेशन के हिसाब से ये होता है कि लिमिटेड एड्स लगते हैं और अर्निंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही कम होती है। अब यूट्यूब ने अपनी उसी अपडेट को रिवर्स कर दिया है, और अब न्यू पॉलिसी के हिसाब से, न्यू गाइडलाइन के हिसाब से, आप अगर कोई भी ऐसी बैड वर्ड्स भी अगर यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में, तो 7 सेकंड या 7 सेकंड के बाद आप ऐसे कोई भी अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी। अगर आपकी वीडियो पे पहले येलो मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है, तो यूट्यूब अब उसको भी रिव्यू करेगा और दोबारा से येलो से ग्रीन मोनेटाइजेशन में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि रिसेंटली CEO चेंज हुए हैं, जो कि पहले एक खातून थी जिनका नाम था सुसैन वोसिस्की, जिनका ताल्लुक पोलैंड से था, पोलिश अमेरिकन थी, तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी एप्रोप्रिएट वर्डिंग लैंग्वेज के लिए, या फिर हेड स्पीच के हवाले से उन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी उनकी थी। अब न्यू अपॉइंट हुए हैं नील मोहन, तो उन्होंने थोड़ी सी आके नरमी की और एड फ्रेंडली पॉलिसी ये वो लेके आए हैं। ये बेसिकली एक चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पहले थे यूट्यूब में, अब उन्हें ये प्रमोशन मिली है। तो अब ये कैसी है अपडेट, अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।